सो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग जो है आ गए हैं मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट लेकर के, और जिसको कि हम लोग बार बार एक नाम दे रहे हैं कि सबसे आसान रास्ता नीट और जेई के पेपर को क्रैक करने का फिजिक्स का। और टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। पिछले टॉपिक बहुत सारे हो चुके हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, अब हमारे जो है शुरू हो जाएंगे लॉजिक गेट के। एक वीडियो और आना चाहिए लॉजिक गेट के बारे में। इनमें जो सबसे खास बात, कमाल की बात, कि आपको जो चीजें आती हैं सो आती हैं, नहीं आती हैं तो नहीं आती। इसलिए एक बार जो है सीख लेने में और कहीं आ जाए, किस्मत वाली बात है, तो 4 नंबर 3 सवाल आ गए, 12 नंबर 10 सवाल आ गए, 40 नंबर और 15 सवाल कहीं आ गए, तो 15 चौके 60 नंबर, बाकी के सारी यूनिट मिलाकर के आपको जो है 60 और 70 नंबर और लाने हैं, आपका पेपर क्लियर हो गया, बहुत अच्छी रैंक मिल रही है आपको। आइए आपको पहले सवाल की तरफ ले चलते हैं। Which of the following is true for NOT gate? अब NOT gate के बारे में हम लोगों ने कुछ भी अगर पढ़ा हुआ है तो जानते हैं कि the only gate which stands for only one input and one output, output तो खैर वन ही रहता है, यहाँ पर सिर्फ वन इनपुट रहता है NOT gate के बारे में, तो यहाँ पूछना कि कौन सा जो है ट्रू होगा फॉर NOT gate। कह रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट वन है तो इनपुट और आउटपुट वन, इनपुट जीरो तो आउटपुट जीरो, गलत बात है। NOT gate की तो परिभाषा है कि if expected no becomes yes and if expected yes becomes no, only then it will be not gate. 1 पे 0 ये तो करेक्ट था, लेकिन 0 पे 0 हो गया, ये गलत हो गया। 0 पे 1 और 1 पे 0 यानी कि ये बिल्कुल सही हो गया। हमने 0 अप्लाई किया था, 1 आउटपुट आ गया, 1 हमने इनपुट किया, 0 आ गया हमारा आउटपुट, तो ये हो गया क्या, और ये हो गया आपका not gate। और इसका सिंबल भी आप याद रखें, ये ऐसा होता है, ये सिर्फ आपको बताने वाली बात, और इसका फॉर्मूला है D बराबर A बार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रही है, द आउटपुट ऑफ OR गेट इज हाई, हाई का मतलब 1 या यस कह लीजिए, कब, इफ आइदर और बोथ इनपुट आर 1, दोनों में से कोई एक या दोनों ही हो जाए 1, 1 का मतलब हो गया यस। और गेट के बारे में आपको याद हो उसका सिंबल ऐसा होता है, A और B हो गया, ये C हो गया, और C बराबर A प्लस B, तो C का जो 1 आएगा, हाई आएगा, वो तभी आएगा जबकि A या B दोनों में से कोई एक यस कर दे या दोनों ही यस कर दे। इस लिहाज से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चले आप आगे आ जाए तीसरे क्वेश्चन पे, देखें जरा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हैं। पूछ रहे टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम सर्किट द इनपुट मस्ट बी। यहां पे अगर मैं इसको C कहूं तो ये C बराबर A प्लस B हो जा रहा है, और Y बराबर हो जा रहा है यहां पे C ना कहके इसको आप कुछ और कहिए, D कहिए, D बराबर A प्लस B हो जाएगा, यहां पे C हो जाएगा और Y बराबर D इंटू C हो जाएगा, Y बराबर D इंटू C हो जाएगा, क्योंकि Y जो है ये एंड गेट के लिए आएगा, Y बराबर D डॉट इंटू C हो जाएगा, और ये C के नाम पे हो जाएगा क्या, D के नाम पे हो जाएगा क्या, A प्लस बी, और ये हो गया इंटू C। तो कह रहे था कि यहाँ पे हमको Y चाहिए कैसा, 1, ऐसा चाहते हैं, तो आइए जरा देखा जाए कि क्या ये सही होगा। A बराबर 0 और B बराबर 1 पे क्या आएगा, कहेंगे 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, इंटू डॉट C 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, हमसे तो सवाल ने 1 के लिए कहा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, A बराबर 1, B बराबर 0 तो ये 1 हो जाएगा, फिर इंटू C 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, A बराबर 1, B बराबर 0 तो ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, इंटू 1 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, देखें ध्यान से। और आपको चौथे सवाल बताते हैं, डिजिटल सर्किट्स कैन बी मेड बाय रेपिटेटिव यूज ऑफ। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है, लर्नेबल बात है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, यहाँ पे नैंड गेट एंड नॉर गेट ये दोनों ही यूज होते हैं फॉर क्या, डिजिटल सर्किट बनाने के लिए नैंड गेट और नॉर गेट का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। इन बात को आप जो है जरूर से जरूर गांठ बांध दीजिए, सवाल आएगा सीधे आपको हिट कर देना होगा। विच गेट विल हैव आउटपुट एज वन, पांचवा अंतिम सवाल, यहाँ देखा जाए सर कि 1 है, 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये एंड गेट, ये और गेट है, 0 प्लस 1 पे ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 पे ये हो जाएगा क्या,
यहाँ पे ये आउटपुट एज वन है, आउटपुट एज वन है तो जीरो प्लस वन पे एक्सपेक्टेड ये वन हो जाएगा और ये ऐसा है, ये एक्चुअली में ये नॉर गेट है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जीरो प्लस वन पे ये एंड गेट है तो ये जीरो हो जाता, लेकिन एंड गेट लगा हुआ है इसलिए ये वन हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ये आपका था वीडियो अबाउट लॉजिक गेट्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स, इजिएस्ट वे टू क्रैक द पेपर ऑफ फिजिक्स इन नीट और जेई। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।